तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिज्नी क्रूज पे एक लड़की गायब हो गई और आज तक किसी को नहीं मालूम वो किधर गई है। क्या आपको पता है बहुत जन डिज्नीलैंड जाते हैं, लेकिन डिज्नी क्रूज भी जो शिप है डिज्नी की, और वहाँ पर डिज्नी के शोज होते हैं। लेकिन 2011 में एक लड़की थी, वहाँ की क्रू मेंबर थी जिसका नाम था रेबेका, वो एवरी डे वहाँ पर आती थी। एक दिन वो उसके रूम में गई, अगले दिन उसकी शिफ्ट के लिए वो गई नहीं, और उसके लोग कितने घबरा गए जब उसके रूम में देखने गए तो वो गायब हो चुकी थी। डिज्नी वाले लोग ने उसकी फैमिली को फोन किया, बोले वो फोन भी नहीं उठा रही, आप देखो वो किधर है, क्योंकि ये जिधर भी गई होगी वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की किए लेकिन वो मिली नहीं, बल्कि सीसीटीवी कैमरे में सुबह 5 बजे वही दिन पे वो एक लड़के से बात कर रही थी और लड़का बोल रहा था अगर तू ठीक नहीं है तो किधर भी मत जा। बस वो आखिरी टाइम था, उसके बाद से वो गायब हो गई। कुछ लोग बोलते हैं वो वेनिस में है, कुछ लोग बोलते हैं वो इटाली में दिखी है, लेकिन वो अलग अलग नाम से रह रही है। क्यों ऐसा कर रही है किसी को नहीं पता आज।